यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme 7 Pro के Realme UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 11 अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों यार काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो Realme 7 Pro के अंदर कब देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाओ। तो ये लो भाई वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा Realme 7 Pro के अंदर Realme UI 2.0 का जो अपडेट है बेस्ड ऑन Android 11 वो ऑफिशियली कब तक देखने को मिलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ Realme ने अपने Realme कम्युनिटी और ट्विटर ऑफिशियल जो अकाउंट है वहां पे भैया एक रोड मैप पोस्ट किया था और उस रोड मैप के जरिए बताया था कि भाई Realme 7 Pro को जो अपडेट है Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो नवंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको फिलहाल स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल रोड मैप दिखा रहा हूं जहां पे आप देख पा रहे हो नवंबर 2020 के अंदर Realme 7 Pro को Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे Realme कस्टमर सर्विस वालों से बात किया है और मैंने यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि Realme 7 Pro को Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो कब देखने को मिलेगा। तो इन्होंने भाई मुझे बताया कि द अर्ली एक्सेस फॉर Realme UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 11 फॉर योर Realme 7 Pro विल स्टार्ट टू रोल आउट एट द एंड ऑफ नवंबर 2020 फॉर सिलेक्टेड यूजर्स ओनली। और उसके बाद में मुझे एक लिंक दिया है जो कि ऑफिशियल रोड मैप का लिंक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो अपडेट आने वाला है Realme UI 2.0 का जो अपडेट आने वाला है Realme 7 Pro के लिए ये बस एक बीटा अपडेट होने वाला है और ये जो है ना ये मतलब कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स को देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के फ़ोन में ये जो अपडेट है ये देखने को मिलेगा। अब देखो अपडेट आने के साथ साथ मतलब जैसे ही अपडेट आता है मैं फटाक से वीडियो बनाऊंगा और आप एकदम रेडी रहना और फटाक से जाके फॉर्म को सबमिट कर देना, ठीक है। आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, वहाँ पर जाके आपको ऊपर राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का एक छोटा सा आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ट्रायल वर्जन में जाना है और जाने के बाद में आपको बस अपना मोबाइल नंबर डाल के फॉर्म को फिलअप कर देना है। जैसे आप फॉर्म को फिलअप करोगे आपको Realme UI 2.0 का जो अर्ली एक्सेस है मतलब जो बीटा वर्जन है वो देखने को मिल जाएगा। तो नवंबर एंड से पहले काफ़ी सारे भाई लोग सोच रहे हैं कि भाई नवंबर एंड तक सभी Realme 7 Pro यूजर्स को जो अपडेट है UI 2.0 का वो मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ब्रो। अभी ये जो अपडेट है ये बीटा में होगा और उसके बाद में जाके स्टेबल अपडेट रोल आउट होगा। और मैंने यहाँ पर स्टेबल अपडेट के रिगार्डिंग भी Realme वालों से पूछा था लेकिन इन्होंने बताया कि फिलहाल जो है ना स्टेबल अपडेट्स के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो स्टेबल अपडेट है देखो Realme X50 Pro में ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। X50 Pro में जो बीटा वर्जन था वो सितंबर के महीने में रिलीज़ किया गया था, अक्टूबर के एंड तक हमें ओपन बीटा वर्जन देखने को मिला और जो स्टेबल अपडेट है वो नवंबर एंड से पहले रोल आउट कर दिया जाएगा। Realme X50 Pro की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो Realme 7 Pro के लिए आई थिंक जो ट्रायल वर्जन तो ऑफिशियली यहाँ पे अवेलेबल है कि भाई नवंबर एंड से पहले जो ट्रायल वर्जन है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से दिसंबर के मिड या दिसंबर के एंड तक हमें ओपन बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है और फाइनली जो स्टेबल अपडेट है वो आई थिंक शायद से जनवरी के महीने में देखने को मिल जाए। देखो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बस हमें अर्ली एक्सेस के रिगार्डिंग ही पता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है Realme 7 Pro में Realme UI 2.0 का जो अपडेट है बेस्ड ऑन Android 11 वो कब तक देखने को मिलेगा। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू बता दिया है और सभी के सभी इन्फॉर्मेशन एकदम 100% रियल एंड जेन्युइन है। और साथ में मैं आपको एक एडिशनल बात भी बता देता हूँ। देखो Realme 7 Pro में अभी जो है ना लेटेस्ट वर्जन वो यहाँ पे है 8.19। तो इस अपडेट को आप फ़ोन में ज़रूर से इंस्टॉल करके रखना क्योंकि जब भी ट्रायल वर्जन आएगा ना तब वहाँ पर लिखा रहेगा कि भाई अगर आपके फ़ोन में 8.19 वाला वर्जन है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब तभी जाके आप अर्ली एक्सेस में ज्वाइन कर पाओगे या फिर आपको जो है ना वो अर्ली एक्सेस में ज्वाइन करने के लिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। तो फिलहाल जो वर्जन चल रहा है वो यहाँ पे है 8.19 और आई थिंक इसके बाद भी शायद से एक दो अपडेट और भी आ जाए इस महीने, मुझे फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल जो वर्जन है वो 8.19 चल रहा है। तो इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखो और अगर कोई अपडेट फ्यूचर में आता है तो उसके रिगार्डिंग तो मैं ऑफकोर्स वीडियो बनाऊँगा और उस टाइम बताऊँगा कि भाई इस अपडेट को भी कर लो। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा स्मार्ट रहिए।